वीकेबी न्यूज ने डेंटल डॉक्टर दीप किशन बिसेन से संपर्क कर डेंटल समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस वक्त डॉक्टर ने डेंटल समस्याओं और मुख बीमारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि धूम्रपान व अल्कोहल के सेवन से मुख कैंसर के प्रमाण बढ़ रहे हैं। डॉक्टर बिसेन ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रॉपर डेंटल हाइजीन मेंटेन न करने से पायरिया व सेंसिटिविटी की समस्या हो रही है। दांतों के प्रति अवेयरनेस रखते हुए फोर्थ स्टेज को टाल सकते हैं। दांतों की सड़न को ध्यान रखते हुए प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। दांत और मसूड़े के जंक्शन को टार्टर कहा जाता है। दांतों की मोबिलिटी, मसूड़े से खून आना या झंझनाहट होना ये लक्षण है। मसूड़ों की बीमारी पायरिया और दांतों का बोन लॉस से इन्फेक्शन बढ़ता है। दांतों की नर्व एंडिंग ओपन होने से सेंसिटिविटी की समस्याएं आती है। डायबिटीज से डेंटल इन्फेक्शन का इफेक्ट्स हार्ट व किडनी पर भी होता है। एडवांस डेंटल क्लिनिक में मॉडर्न इक्विपमेंट व फैसिलिटीज उपलब्ध है। इम्प्लांट सबसे सुरक्षित व लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है। दांतों से रिलेटेड सभी ट्रीटमेंट वन रूफ और ऑनलाइन व वीडियो कंसल्टेशन भी होता है। ये जानकारी उन्होंने इस मुलाकात में दी। देखिए, डेंटल क्लिनिक में दांत और मुंह से संबंधित सारे पेशेंट्स आते हैं। जैसे आपका सवाल था कि लो जो इम्यूनिटी वाले हो गए या शुगर वाले हो गए, तो लो इम्यूनिटी और शुगर पेशेंट में या ऐसे पेशेंट्स में मुंह से संबंधित जो आजार है, जो रोग है, वो होने के जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं और उनमें इन्फेक्शंस हमेशा बाकी पेशेंट के संभावना में ज़्यादा होते हैं। ये भी आप बताइए कि जिन्हें रोग का कैंसर है तो उसका किस तरह से आप लोग डायग्नोसिस करते हैं, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं उस बारे में? देखिए, सबसे पहले जैसे कोई भी पेशेंट आता है, किसी को जैसे नॉर्मली अपने क्षेत्र में जो सेंट्रल इंडिया का क्षेत्र है, यहाँ मुंह के कैंसर का प्रमाण बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कारण है गुटखा और सुपारी का सेवन। तो हम लोग गुटखा सुपारी सेवन वाले पेशेंट में हमेशा, पेशेंट ना भी बताए तो भी एक बार देखते हैं कि कहीं कुछ साइंस तो नहीं है कि कैंसर की शुरुआत हो गई है। जैसे मुँह बंद होना, कैंसर होता नहीं है बट उसकी पूर्व वो सूचनाएँ होती है कि भी हो सकता है आगे, मुंह में तीखा लगना, ये सारी चीज़ें, मुंह बंद होना, ठीक है, और कुछ किसी को छाले जो बहुत दिनों तक के, महीनों तक के ठीक नहीं हो रहे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं पेशेंट में। और अभी के इसमें जो सुपारी गुटखा इसका प्रमाण इतना ज़्यादा है कि पेशेंट्स हर एक नया नया कैंसर का पेशेंट आता है, तो क्लिनिकल लेवल पे हम लोग सिर्फ उसका निदान करते हैं और उसको फिर बड़े सेंटर्स में उसके उपचार के लिए भेजा जाता है। देखिए, सबसे पहला कारण, मुँह में कोई बीमारी होती नहीं है अगर हम प्रॉपर ध्यान ना दें, नेग्लिजेंस जो आपने बोला, तो कुछ नहीं करना है, बस दांत साफ करने। मगर क्या होता है, ब्रश तो सभी करते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रश नहीं कर रहे, फिर भी दांतों में सड़न हो रही। सड़न होने का पहला कारण है कि दांतों में खाना चिपकना। आजकल खाने का जो ये है, पहले का खान पान और अभी के खान पान में बहुत बदलाव हो गया। अभी सॉफ्ट प्रोसेस्ड फूड या फिर पहले के जितना फाइब्रस फूड नहीं होता, तो खाना चिपकता है दांतों में, क्लीनिंग उतनी तरीके से नहीं होती। और दूसरा क्या हो गया कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को। अभी अवेयरनेस धीरे धीरे आ रहा है, तो लोग आ रहे हैं डेंटिस्ट के पास। हर पेशेंट में, अगर मैं बोलूँ तो हर, मुझ में भी कुछ ना कुछ एक ना एक डेंटल ओरल प्रॉब्लम है, ब्रशिंग करने के बावजूद भी। तो उसमें एक ही है कि आपके पास नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाके कुछ नहीं तो निदान कराए कि भी कुछ शुरुआत तो नहीं हुई है, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। शुरुआती दौर में हम उसको रोक लेंगे तो बड़ी बीमारी होने से हम उसको बचा पाएंगे। फिर जैसे शुरुआत में है तो सीमेंट डाल दिए, फिलिंग कर लिए, तो दर्द आते नहीं के पहले ही ठीक थी। लोग दर्द होने पे आते हैं, फिर रूट कैनाल क्या, फिर बोला जाता है कि डेंटल ट्रीटमेंट महंगा है या तकलीफ दे है, ये नहीं हो तो होगा। इसलिए हमको प्रिवेंशन करना है होने से पहले ही, और होने पे तो फिर ट्रीटमेंट करने के लिए डेंटिस्ट है। देखिए, जैसे आपने बोली कि दो टाइम ब्रश करना बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए, कई लोगों को नहीं होता, फिर समय नहीं मिलता काम, इसमें से एक टाइम का भी ब्रश उतना ज़रूरी है। मगर कुछ 6-6 महीने के गैप में आप आपके डेंटिस्ट को दिखाइए, ताकि कुछ कचरा ऐसा होता है जिसको कैलकुलस बोलते, सादी भाषा में टार्टर बोलेंगे हम लोग, वो दांतों पे चिपक जाता है, सीमेंट की तरह मिट्टी पक्की जम जाती है, तो वो हमारे ब्रश से नहीं निकलती। फिर मैं खुद डेंटिस्ट हो या दूसरा पेशेंट हो, हमको भी क्लीनिंग करनी पड़ती है, पेशेंट को भी करनी पड़ेगी। तो वो सर्विसिंग बोलेंगे कि मुंह की सर्विसिंग 6-6 महीने में करें तो बीमारी होने से। मसूड़ों में क्या होता है कि दांत और मसूड़ों के बीच में कचरा जमने से मसूड़े नाजुक होते, शुरुआत में खून ही आता है मगर दर्द नहीं होता, तो पेशेंट ध्यान नहीं देते। फिर पस मतलब पायरिया होने पर पेशेंट हमारे पास आते, जब पानी सर के ऊपर चला जाता, तो फिर बाद में दांत निकालना पड़ता है या फिर बड़ी सर्जरीज करके दांत बचाना पड़ता है मसूड़ों। देखिए, सेंसिटिविटी के अलग अलग कारण हैं। दांत की जो रचना है, जैसे मैं यहाँ बताऊँ, दांत मसूड़ों से और हड्डी से घिरा हुआ है, ठीक है, दांत मसूड़ों में।
तो सेंसिटिविटी कारण एक हो सकता है कि आपको सड़न हुई हो और दांत की जो दूसरी परत है इनामल के नीचे की डेंटिन, उस डेंटिन तक की अगर सड़न पहुंची है तो आपको सेंसिटिविटी होगी। दूसरा मसूड़ों में अगर इन्फेक्शन जिंजिवाइटिस जिसको बोलते हैं, तो जड़ों तक के अगर पानी या खाना या कुछ पहुंच रहा है हवा, तो वो सेंसिटिविटी। तो हम पेशेंट को चेक करते हैं कि सेंसिटिविटी की वजह क्या है, डायग्नोसिस करते हैं उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर सड़न है ऊपरी लेवल पे है तो उसमें रेस्टोरेशन मतलब फीलिंग करेंगे सादी भाषा में, मसूड़ों का कुछ जिंजिवाइटिस है, मसूड़ों का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे और उस हिसाब से सेंसिटिविटी टूथपेस्ट बोलो या ट्रीटमेंट करके उनको ठीक किया जा सकता है। देखिए दांत की जो ऊपरी परत होती है जिसे इनामल कहते हैं, जो बहुत मजबूत है, मतलब शरीर की सबसे टफ हड्डी है, वो एक विशेष हड्डी है। तो जो मंजन बोलो या गुड़ाकू नस जो अपने क्षेत्र में जिसका इस्तेमाल होता है, तो एक तो नस गुड़ाकू में तंबाकू का तंबाकू से बनती है तो सबसे पहले हानिकारक है, वो भी कैंसर के लिए कारणीभूत हो सकता है। और दांत को जो घिसते हैं मंजन करते वक्त, उससे दांतों की परत आहिस्ता 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 पतली होती है और सेंसिटिविटी और आगे चल के फिर दांतों की नसें खुल जाती है। तो मंजन का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है और उंगली से ना करें, क्योंकि ब्रश और पेस्ट जो अभी जो आते हैं ये उनका जो जी दांत को घिसने का या पतला कर वो नहीं करते, सही तरीके से ब्रशिंग करें तो हमारे दांत नहीं घिसेंगे। गलत तरीके से ब्रश करना या मंजन करना ये हमारे दांतों को घिसने का कारण है। मैं एक मॉडल के तहत बताऊंगा आपको। पहले जो ब्रिज जो होता था, मतलब दांत जहाँ नहीं है उसके अगल बगल वाले दांत का सपोर्ट लिया जाता था, आज भी होता है बहुतायत में पेशेंट यही करते हैं क्योंकि ये इकोनॉमिकल है, उतना ज़्यादा महंगा नहीं है, तो जो लो इकोनॉमिकल स्टेटस के पेशेंट्स है जो ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते वो आज भी ब्रिज या डालने निकालने वाले दांत लगाते। अभी नई नई टेक्निक्स आई है जिसके अभी जो आपने बोले इम्प्लांट, तो इम्प्लांट में होता है जैसे ये आपको दिख रहा होगा कि हड्डी में स्क्रू जाता है, टेक्नोलॉजी है आज के तारीख में, सुरक्षित है, बस थोड़ी महंगी है, मगर बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो महंगी नहीं पड़ती शरीर के लिए। तो हड्डी में स्क्रू डाल के उसके ऊपर दांत लगाया जाता है जहाँ दांत नहीं होता, और ब्रिज में जहाँ दांत नहीं उसके आगे पीछे के दांतों का सपोर्ट लेके हम कैप लगाते हैं, और इम्प्लांट में स्क्रू डाल के उसके ऊपर कैप लगाते हैं या नकली दांत लगाते हैं। तो इम्प्लांट आज की तारीख में सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है, जहाँ आपको अगर दांत नहीं है और कोई भी पर्याय नहीं बचा है तो इम्प्लांट ले जाइए अगर आप सक्षम हैं तो। अब कुछ लोगों में थोड़े से पीले होते तो ब्लीचिंग मतलब वाइट करना दांत को, तो कुछ हम लोग केमिकल से जो भी होता है उसे यूज करके थोड़ी ब्लीचिंग होती है जिससे दांतों में थोड़ा सा एक शेड वाइटनेस आता है, ये हो गया ब्लीचिंग का। विनियर्स मतलब जैसे दांतों के ऊपर कैप लगाते हैं तो विनियर्स मतलब एक क्या बोलेंगे लेयर लगता है कि अधिक सुंदर एस्थेटिक्स बोलते हैं हम लोग जिसे, कि आपकी सुंदरता को और ज़्यादा निखारने का काम कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में होता है। इसके बहुत सारी चीज़ें विनियर्स है, लैमिनेट्स है, स्माइल डिजाइनिंग है, आड़े टेढ़े दांतों को ऑर्थो ट्रीटमेंट करके सीधे करना, बहुत सारे पर्याय है। यहाँ जैसे अभी क्लिनिक का नाम है कि डॉक्टर बिसेंस डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी डेंटल केयर, मतलब एक जनरल फैमिली डेंटिस्ट्री कंप्लीट, मतलब छोटे बच्चे से लेके वयस्क पेशेंट तक के, मतलब बच्चों के दंत डेंटल प्रॉब्लम हो या बूढ़े पेशेंट में जिनके दांत नहीं है दांत लगा सकते हैं, या जो रेगुलर रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स, इम्प्लांट्स, नकली दांत हो या असली दांत को बचाना हो, मसूड़ों से संबंधित ट्रीटमेंट हो, दांतों से संबंधित जितनी भी, या ओरल सर्जरीज हो जिनके जबड़े के फ्रैक्चर्स हो, ट्रामा हो, क्लिनिकल लेवल पे जितना ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, इवन कैंसर का निदान बायोप्सी करते तक के ताकि उन्हें बड़े सेंटर्स में रेफर किया जाए, सारी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। मैं जनरल डेंटिस्ट हूँ, जहाँ स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट की जरूरत होती है हम वहाँ प्रोवाइड करते हैं। प्रोस्टोडोंटिस्ट हो, एंडोडोंटिस्ट हो, स्पेशल केसेस के लिए ओरल सर्जन हो, मसूड़ों के पीरियोडोंटिस्ट, बच्चों के पीडियोडोंटिस्ट बोला जाता है, इम्प्लांटोलॉजिस्ट, सब यहाँ पे हमारे इस पे अवेलेबल है। बड़ी सिंपल सी चीज है, हम लोग जो सरल होता है उसके तरफ जाते हैं तो वो तकलीफ देता है, जैसे एक्सरसाइज करना के शरीर को ठीक रखना है, वैसे मुंह को भी है कि हमको सही सही खाना खाना है, सही समय पे खाना खाना है, तो मुंह के लिए नहीं तो सारे शरीर के लिए ही अच्छा है। तो हमको सही प्रमाण में खाना है, सही खाना खाना है, जैसे स्टिकी फूड हो गया, किसी भी टाइम बेवजह नहीं खाना है। एक और वजह होती है एसिडिटी जो हमारे दांतों को ख़राब करती है, तो वो खान पान से ही होती है। तो हमको सही हाइजीन रखना है, और एक कुछ नहीं तो 6-6 महीने में ही, अगर आपको तकलीफ नहीं भी है फिर भी 6 महीने में, साल में एक बार डेंटिस्ट से मुलाकात कीजिए, उन्हें दिखाइए कि कहीं कुछ तकलीफ शुरुआत में दौर में होगी तो जिसे वो ठीक कर सके तक। या अगर आपको तकलीफ है, हम कई पेशेंट देखते हैं कि बहुत दर्द होने पे आते हैं, तो वैसा मत कीजिए, शुरुआती दौर में ही आपके दांतों में खाना फंस रहा है तभी आ जाइए, तो वो आपके लिए आर्थिक मानसिक सभी रूप से
अच्छा रहेगा। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।